खेत का सिंचाई 150 रुपए घंटा है तो 15 मिनट का कितना रुपया लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं दो दो तरीका बताने वाला हूं, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए सीधा सा ये एक एक नियम का क्वेश्चन है। देखिए 150 रुपए घंटा लग रहा है और यहाँ पे 15 मिनट, तो देखिए 15 मिनट का पूछा गया है, तो 15 मिनट का पूछा गया है मतलब कि 15 मिनट का लगेगा। तो ये हम तभी निकाल पाएंगे जब एक मिनट का कितना लगेगा हम ये निकाल लें। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो हिसाब दिया हुआ है इसमें हमें समय आगे रखना है। तो देखिए एक घंटा का कितना लगता है, एक घंटा का लगता है कितना, 150 रुपए। कितने लगते हैं, 150 रुपए लगते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मिनट है, यहाँ घंटा है, तो देखिए हमें मिनट का पूछा जा रहा है तो इसको भी हमें मिनट में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक घंटा में होते हैं 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट के 150 रुपए लगते हैं। अब देखिए अगर हमें एक मिनट का चाहिए तो ये 60 को हमें इसके नीचे भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 150 बटा 60 रुपए। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से अगर हम इसको कट कर दें और यहां पर इसको काटें तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, मतलब कि एक मिनट का 2.5 रुपए लग रहा है। अब अगर मान लीजिए 15 मिनट का चाहिए तो इसी में हम एक मिनट का जितना लग रहा है इसी में हम 15 का गुना कर देंगे, तो यहां पर आपका कितना आएगा, 15 × 75 = 5, हासिल लगा 7, 15 × 2 = 30 और 7 = 37, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो इस तरह से आया 37.5, एक ही अंक दशमलव के बाद है तो यहाँ 0 हम अपने से बढ़ा लेते हैं। ये होता है रुपए, ये होता है पैसे। इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 37.50 रुपए। अब अगर मान लीजिए इतना बड़ा आप नहीं करना चाहते हैं तो देखिए आप सिंपल सा है, देखिए एक घंटा का कितना लगता है, तो एक घंटा का लगता है 150 रुपए। कितना लगता है, 150 रुपए। इसका मतलब ये हुआ मिनट का पूछा जा रहा है तो यहां इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, 60 मिनट का लगता है 150 रुपए। क्यों, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब इसका आप आधा करिए ना, 60 का आधा होगा 30 मिनट और 30 मिनट के लगेंगे 75 रुपए। कितने लगेंगे, 75 रुपए, और हमें 15 मिनट का चाहिए तो 15 मिनट के लिए हमें इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 37.50 रुपए। तो देखिए अगर आपके पास ये नहीं भी है कागज कलम, फिर भी आप माइंड में ही इसको सेट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर घंटा में है और मिनट में पूछ रहा है तो इसको भी मिनट में चेंज करके इसी हिसाब से आपको या तो हाफ हाफ करते जाना है, दुगुना तिगुना करते जाना है।